तो इतने टाइम से हम फैंस मार्वल से जो सीरियस मूवी चाहते थे वो फाइनली हमें वकांडा फॉरएवर के रूप में मिलने जा रही है। खैर इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि चैडविक बॉसमैन के अलावा किसी और को ब्लैक पैंथर के रूप में देखना ये बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए और अतीत को दिल में समेटे हुए हमें बढ़ना होगा वकांडा फॉरएवर की तरफ। अब देखो फेज 4 भले ही लोगों को ज्यादा पसंद ना आया हो लेकिन इसका एंड काफी मॉन्यूमेंटल होगा और शायद लोगों के आंसू भी आ जाएं। खैर अब इन बातों को साइड कर बात करें टीजर के कुछ डिटेल्स की, तो इसमें काफी न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जस्ट लाइक नेमोर, रीरी विलियम, अनिका, अटलांटियन सोल्जर और भी कई सारे। साथ ही नेमोर का कैरेक्टर इसमें अटलांटियन से हटके मायान संस्कृति के ऊपर बेस्ड होने वाला है और कॉमिक की तरह ही नेमोर के पैरों में हम विंग्स को देख ही सकते हैं। पर मेरा फेवरेट सीन जो इस पूरे टीजर को कॉन्सेप्चुलाइज करता है वो ये है कि जब वकांडा में पानी घुस जाता है, क्योंकि ये बताता है कि वकांडा कमजोर हो चुका है और इस टाइम उन्हें अपने प्रोटेक्टर, अपने वॉरियर और सबसे इम्पोर्टेंट अपने किंग की जरूरत है जो कि उनके लिए शहीद हो चुका है। इसी को समराइज करते हुए हमें एंड में एक नए ब्लैक पैंथर की झलक दिखाई जाती है जो लोगों में एक उम्मीद जगाता है और बताता है कि वकांडा विल रिमेन फॉरएवर।